हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रेनू फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट इकोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन। यानी कि बच्चों, आज BSc थर्ड ईयर के बॉटनी के पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे कि पादप पारिस्थितिकी के सामान्य परिचय के बारे में। इकोलॉजी आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें आपको कंप्लीट प्लांट इकोलॉजी के बारे में स्टडी करनी है। क्या होती है पादप पारिस्थितिकी, इसके बारे में आज हम एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। पादप पारिस्थितिकी सामान्य परिचय में पारिस्थितिकी फर्स्ट क्या होता है? सजीव एवं उनके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। यानी कि कोई भी सजीव, उसके चारों तरफ क्या पर्यावरण पाया जाता है, ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट होता है उसके साथ में उस सजीव का किस तरीके से इंटरेक्शन हो सकता है, किस प्रकार से उनके संबंध हो सकते हैं आपस में, इसका जो अध्ययन होता है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी वर्ड जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, ऑइकॉस प्लस लॉगॉस। पारिस्थितिकी की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा पारिस्थितिकी की परिभाषाएं दी गई है, जिनमें से कुछ जो वैज्ञानिक है वो हैं हेकल, एल्टन, टेलर, ऑडम एंड क्लार्क। इसमें से ऑडम की जो डेफिनेशन है वो मोस्टली बहुत पॉपुलर है और अधिकतर जगह पर यूज में ली जाती है। पारिस्थितिकी का महत्व क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक पूरा पेपर आपको पढ़ना है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इतना क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है, तो यह सजीवों का अपने पर्यावरण से संबंध को दिखाता है। इट इज़ मेनली प्रोवाइड एन इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग्स और देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट। सजीवों का भौगोलिक वितरण एवं बाहुल्य बताता है, यानी कि हमें बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड ऑल्सो देयर उनका बाहुल्य, यानी कि कहाँ वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी जो क्वान्टिटी है वो कहाँ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पीसीज। सजीव समुदायों में क्षेत्रवार विभिन्नताएं तथा इनके व्यवहार व कार्यकलापों में समय के साथ परिलक्षित क्रमिक परिवर्तन को दिखाता है, यानी कि जो लिविंग कम्युनिटीज़ हैं उनका एरिया वाइज जो उनमें क्या क्या डिफरेंशिएशन आता है, किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, किस प्रकार के डिफरेंशियल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो निर्मित होती हैं, उनका बिहेवियर में क्या चेंज होता है, उनके किस प्रकार के फंक्शंस होते हैं और टाइम के साथ में उनमें किस प्रकार से एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होता रहता है, इसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी में करते हैं। सजीवों का अपने भौतिक पर्यावरण के साथ संरचनात्मक एवं कार्य की अनुकूलन को शो करता है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इनका फिजिकल एनवायरनमेंट जो इनके चारों तरफ पाया जाता है उसकी उसके अंदर स्ट्रक्चरल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल जो अडाप्टेशंस होते हैं, यानी कि सजीव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने चारों तरफ के भौतिक पर्यावरण के साथ में किस तरीके से खुद में स्ट्रक्चरल एज वेल एज जो फंक्शनल चेंजेस लाते हैं, अडाप्टेशन लाते हैं, उसके बारे में हम पारिस्थितिकी में अध्ययन करते हैं। विभिन्न सजीवी समिष्टियों एवं समुदायों के सदस्यों के बीच पारस्परिक जो संबंध होते हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो लिविंग ग्रुप्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग स्पीसीज होती हैं और जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं उनके बीच में किस प्रकार से संबंध होता है, किस प्रकार से इंट्रैक्शन होता है, इसका जो अध्ययन होता है वो हम पारिस्थितिकी में करते हैं। प्रकृति की जैव उत्पादकता का आकलन होता है, यानी कि जो बायोफर्टिलिटी होती है नेचर की, जो बायोफर्टिलिटी ऑफ नेचर उसका हम आकलन करते हैं, यानी उसकी स्टडी करते हैं किस प्रकार से होता है, और जन कल्याण हेतु भी इसका उपयोग होता है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए और बायोटिक जो डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए पारिस्थितिकी का एक अपना अलग महत्व होता है, इसीलिए हम एक पारिस्थितिकी को अलग फॉर्म में स्टडी करते हैं। अब अगर हम इसके संगठन के विभिन्न स्तर की बात करें, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि लाइफ के जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इट इज़ मेनली डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बात करते हैं जीन्स की, प्रोटोप्लाज्म की, सेल्स की, अब कैसे जीन्स बने, प्रोटोप्लाज्म और सेल्स, ये हमारे आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। सेकेंड वन इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इट कंटेन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड
ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल से कैसे ऑर्गन बना, ऑर्गन्स ने मिलकर के कैसे ऑर्गन सिस्टम डेवलप किया और उसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ। लास्ट वन इज इकोलॉजी, इट कंटेन पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम्स, यानी कि पॉपुलेशन एक सिंगल स्पीसीज लाइक ह्यूमन, कम्युनिटीज मल्टी स्पीसीज यानी कि अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों का एक ग्रुप बनना, उसे हम कम्युनिटीज कहते हैं। एंड थर्ड वन इज इकोसिस्टम, इट कंटेन कम्युनिटी प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल स्पीसीज प्लस देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर इज नोन एज इकोसिस्टम। नाउ दीज थ्री आर थ्री बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बींग्स और लाइफ। अब पारिस्थितिक विज्ञान की शाखाओं की अगर हम बात करें, ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज और इकोलॉजी इस पारिस्थितिक विज्ञान का अध्ययन का स्तर हम अगर बात करें तो ये तीन स्तर पर आधारित होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्गीकीय बंधुता, यानी कि स्पीसीज लेवल पर इनकी इंट्रैक्शन की जो बात होती है उसके आधार पर डिवीजन होता है। सेकंड वन इज मतलब ग्रुप के आधार पर बंधुता देखी जाती है। सेकंड वन इज आवासीय स्थल के आधार पर, यानी कि इनका जो आवास यानी कि हैबिटेट जो होता है उसके आधार पर इनको कैसे विभाजित किया जा सकता है। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यानी कि संगठन का क्या स्तर है उसका, इसके आधार पर पारिस्थितिकी विज्ञान को हम विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम वर्गीकीय बंधुता के आधार पर बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं ग्रुप्स हमें पता है। एक होती है पादप पारिस्थितिकी यानी कि प्लांट इकोलॉजी, सेकेंड वन इज जंतु पारिस्थितिकी यानी कि एनिमल इकोलॉजी। सेकेंड आवासीय स्थल के आधार पर अगर हम बात करें कि के आवास कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग इकोलॉजी या पारिस्थितिकी को हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉरेस्ट इकोलॉजी यानी कि जंगल या वानिकी जिसे हम बात करते हैं, ग्रासलैंड इकोलॉजी यानी कि जो घास जिसे हम कहते हैं वो पारिस्थितिकी, डेजर्ट इकोलॉजी यानी कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी एंड लेक इकोलॉजी यानी कि जो झील की जो इकोलॉजी पारिस्थितिकी होती है। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, स्व पारिस्थितिकी एंड सम पारिस्थितिकी यानी कि ऑटो इकोलॉजी होती है और सिनिकोलॉजी होती है, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही पारिस्थितिकी लेवल पाया जाता है और बहुत सारे ग्रुप मिलकर के अगर बात करें तो सम पारिस्थितिकी की बात करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।